नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर निधि लगातार प्लानिंग करती हुई नज़र आ रही है इस समय। जी हाँ, क्योंकि निधि की प्लान करने का तरीका आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि इस समय किसी भी तरीका से छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि सॉरी बोलता हुआ नज़र आएगा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ इन लोगों को। जी हाँ, क्योंकि आखिरकार कब से ये चीज़ की प्लानिंग में लगे हुए हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोलती हुई ये भी नज़र आ रही है आखिरकार निधि कि हम यहाँ पर हार नहीं मानेंगे, और हार ना मानने के पीछे भी लगातार कई कारण देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए कहानी की, तो कहानी में एक और भी बेहतरीन ट्विस्ट आप लोगों के लिए देखने को मिलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ ये भी नज़र आ रहा है इस समय ये भी बोलता हुआ नज़र आएगा आखिरकार सॉरी है कि मैं ना कभी किसी से हार माना था और ना मैं किसी से हार मानूंगा। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि थोड़ा नहीं बल्कि समय एक से बढ़कर एक एक नए नए ट्विस्ट भी आप लोगों के बीच में दोस्तों दस्तक दे ही रहे हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए आखिरकार आप लोग समझ गए होंगे करण की, तो करण को ये पता चल ही जाएगा कि ये सब कुछ मेरे घर में जो चल रहा है ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत ही चल रहा है, और इन सब में जो पूरी तरीका से इन्वॉल्व है वो इन्वॉल्व कोई और नहीं है बल्कि आप लोग जानते ही हैं कि निधि सौर्य को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन निधि की हरकतों को अब यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं करेगा करण, बल्कि अब वो निधि के खिलाफ भी एक्शन लेगा, और एक्शन भी उस तरीका से लेगा कि जैसे उसने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको।